वेलकम टू आवर चैनल पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्पेशल, अगर आप भैया आईटीआई किए हैं या फिर अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो फिर ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप नहीं किए हैं फिर भी देखिएगा, क्योंकि आईटीआई और डिप्लोमा जो है अभी गवर्नमेंट का क्या किस पे ज्यादा जोर जा रहा है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आईटीआई डिप्लोमा से केवल मई महीना में देखिएगा, मई 2023 में आपके सामने लगभग 6 से 7 वैकेंसी है, 6 से 7 वैकेंसी है। वो पूरा हम आपको यहाँ पे एक एक चीज डिस्कशन करवा देंगे, जैसे कि आपके सामने हम वो ऑफिशियल भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, आपको एक बार दिखा ही देते हैं, यहाँ पे आइए एक मिनट, ये सब देखिए आपके सामने भैया ऑफिशियल है, पूरा एक एक चीज है। इसमें से अगर हम करें यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज अगर हम इसमें बात करें, दिखाते हैं जैसे कि आपका इसरो का एसएसबी हेड कांस्टेबल है, उसके बाद आपका बार्क का है, बीएसएफ का है, और उसके साथ साथ और भी वैकेंसी है। तो आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए है, नहीं किए हैं आईटीआई अब आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा जो मोर है अब वो टेक्निकल पे अधिक जोर कर रहा है, और जो नॉर्मल है जो सिविलियन है उस पर अब आपका गवर्नमेंट का कम जोर है। जैसे कि अभी आप देखिए एसएससी सीएचएसएल का आया है, मात्र 1600 ही वैकेंसी आया है, लेकिन आईटीआई डिप्लोमा का हर एक मंथ जो है अब आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिससे आपको यहाँ पे पता चलेगा कि क्योंकि बहुत कोई आईटीआई का जानते ही नहीं है आईटीआई वैकेंसी आईटीआई लेवल पे कितना सारा वैकेंसी आ रहा है और कितना सारा नहीं आ रहा है। हर एक चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन आपको करके दिखा देंगे। और टोटल आईटीआई कर लेते हैं या फिर डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपका नौकरी का कितना चांस बढ़ जाएगा, इस वीडियो में हम लोग वही चीज का डिस्कशन आपको करने वाले हैं। काफी मोटिवेशन मिलेगा आपको यहाँ से। आइए भैया, ये तो रहा आपको आपको, लेकिन एक चीज जानते हैं आप लोग, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि अभी आपका ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पे, तो टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप 18 मंथ का टेक्स्ट बुक का पास लीजिएगा, 18 मंथ का टेक्स्ट बुक का पास 269 में, और आपको ये तभी मिलेगा अगर आप कोड लगाइएगा कैपिटल एम जी एम, कैपिटल एम उसके बाद कैपिटल जी कैपिटल एम, इस कोड को जैसे आप लगाइएगा तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, बहुत सारा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट, एएलपी वाले का, एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट, या फिर हर एक एग्जाम का आपका मॉक टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है भैया। आइए अब हम लोग आ जाते हैं इस पे। अगर आपके सामने देखा जाए, हम अपना पूरा होमवर्क करके आपके सामने आए हैं और केवल मई महीना में आपके सामने दिखाते हैं किसमें भैया कितना कितना है आपका। देखिए जैसे कि ये आपके सामने क्या है, ये पूरा ऑफिशियल जो आपको चाहिए तो इसको हम भैया अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम कम्युनिटी इसमें आपका है, डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है, या फिर टेलीग्राम में सर्च मारिएगा एम जी मनीष गुरु तो आपको टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पे आपको ये 6 नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे पहला अगर हम लोग इसमें देखें तो पहला आपका हम लोग आ गए हैं इसरो पे, किस पे आए हैं भैया, तो ये है आपका इसरो में देखिएगा दो दो है वैकेंसी, एक है इसरो का है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, टोटल सीट इसमें भैया 324 है, टोटल आपका 324 केवल मई मंथ का हम बात कर रहे हैं, जिसमें से अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई के लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसरो का, ये इसरो का दूसरा है। और इसमें अगर आप भैया डिप्लोमा किए हैं, इसमें देखिए डिप्लोमा किए हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, केवल आपका इसरो में आया है, देख लीजिए। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, आपको जरा सा झांसा दिखाते हैं, बीएसएफ का आपका हेड कांस्टेबल का है, बीएसएफ का हेड कांस्टेबल का है आपका, इसमें जो है डिप्लोमा किया है या फिर आईटीआई किया है, इसमें आपका 914 पोस्ट है, 914 पोस्ट है, या तो आप डिप्लोमा किए हैं आईटीआई किए हैं, दोनों का मिला के डिटेल्स आपको जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। मतलब हम आपको एक बस जरिया दिखा रहे हैं कि आईटीआई और अगर आप डिप्लोमा कर लिए हैं तो अब आपका स्कोप कितना बढ़ गया। इस फॉर्म को भी आप लोग अप्लाई कीजिए, केवल आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी इसके भरोसा नहीं रहिए भैया इस फॉर्म को, क्योंकि इसमें आप अगर तैयारी करते हैं, ट्रेड आपको पढ़ना ही है, मैथ्स आपको स्ट्रॉन्ग करना ही है, साइंस आपका हर एक जगह साइंस है, साइंस आपका ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, साइंस इसमें भी है, एएलपी में भी है, ग्रुप डी में भी है, आरपीएफ में भी है, ये आपको इसे इस सब देते रहिएगा एग्जाम, आपका खुद ही प्रैक्टिस लेवल बढ़ेगा, इसको आप लोग जरूर से जरूर दीजिए, क्योंकि अब जो है लाखों फॉर्म इसमें भी भरा रहा है, हर एक बच्चा तैयारी कर रहे हैं, जो लोग तैयारी नहीं कर रहे उनको कह रहे हैं आप इस सब फॉर्म को भी आप लोग अप्लाई करते जाइए। जरूरी नहीं है कि आप सभी फॉर्म को अप्लाई कीजिए, लेकिन कुछ फॉर्म को अप्लाई कीजिए अपना प्रैक्टिस, जिससे आपका होते रहे, और इसमें भी अब जो है सरकारी नौकरी सबका लग रहा है। इसरो का बता दिए, एसएससी हेड कांस्टेबल का बता दिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने है ये है एसएसबी ट्रेडमैन का, इसमें भी आपका क्या चीज है, देखिए टोटल इसमें 543, इसमें भी 543 सीट है, ठीक है, ट्रेडमैन का आईटीआई और डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए। उसके बाद जो है सबसे बड़ा इस बार का ये है, अच्छा ये वाला है एसएसबी नहीं बड़ा, ये नहीं है, इसमें नॉर्मल वैकेंसी है, ये है बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ 247, आईटीआई है और 10+2 है, आईटीआई और 10+2 पे आपका ये है एसएसबी हेड कांस्टेबल वाला। और इस बार का सबसे बड़ा जो वैकेंसी है ये है भैया, इस बार आपका बारक है,
पार्क है आपका सबसे बड़ा इस बार का वैकेंसी, 4000 करीब में वैकेंसी है, 4000 करीब में प्लस जो है वैकेंसी है आपका केवल बार्क में, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए ये है। ये जनरली आप लोग जानिए हम किसका मंथ का बात किए हैं, तो केवल आपके सामने भैया मई वाले देख लीजिए, मई 2023 में एक मंथ में आपका इतना सारा है। आगे आप ध्यान दीजिए, अभी आप जैसे जितने भी जानते हैं एनटीपीसी, हम वो नेशनल थर्मल वाला का बात कर रहे हैं, एनटीपीसी हो गया आपका, एनटीपीसी सेल हो गया, सेल हो गया, फेल हो गया, गेल हो गया, उसके बाद आपके सामने इसरो हो गया, डीआरडीओ का हो गया, देखिए डीआरडीओ का हो गया, ये सब जो है मिनिमम वैकेंसी आता है, लेकिन आपका हर एक मंथ कुछ ना कुछ वैकेंसी आते रहता है। आईटीआई पे मेनली अगर डिप्लोमा नहीं करना है, आईटीआई आप जरूर से जरूर कर लीजिए, नहीं किए हैं तो, और इस सब फॉर्म को भी अब आप लोग अप्लाई कीजिएगा, ये नॉर्मल वैकेंसी, बड़ा वैकेंसी में अभी आपके सामने आगे जो है जिस हिसाब से देखने को मिलेगा आपका, हाँ जितना भी मेट्रो का होता है, मेट्रो का वैकेंसी जैसे कि डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो आपका हो गया, लखनऊ मेट्रो हो गया, वो सब पे आपका आईटीआई का बहुत सारा सीट रहता है। उसके बाद आपके सामने एएलपी टेक्नीशियन तो भैया है ही, ग्रुप डी में भी अब आपका इस बार आईटीआई लागू कर दिया गया है, इसीलिए आप लोग आईटीआई को अब जोड़ दीजिए, ट्रेड को बेस्ट कर लीजिए, साइंस का भी अपना जो है, क्योंकि हर एक जगह साइंस, बिना साइंस का 20 से 25 नंबर हर एक जगह है, साइंस को भी आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और साइंस अगर आपको पढ़ना है तो एमजी उमंग स्टडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साइंस का आपको वहाँ पे क्लासेस है, हर एक चीज़ है भैया, वहाँ से साइंस कर लीजिएगा, कहीं आपका साइंस का टेंशन दूर आपका हो जाएगा, साइंस का आपको टेंशन नहीं रहेगा, साइंस के क्लास आपका हम आपका ऑलरेडी खुद लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए इस सब फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, और जैसे कोई भी एग्जाम का अपडेट आता है, मेनली स्पेशल आईटीआई और डिप्लोमा का अपडेट आता है, तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और केवल आप एक एग्जाम के भरोसे नहीं रहिए, वो वहां तो आपको लगेगा ही, और वो वैकेंसी भले लेट हो रहा है रेलवे एएलपी का, भले लेट हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है, लेकिन इस फॉर्म को भी आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि वो वैकेंसी आएगा, एग्जाम तुरंत इस बार ले लिया जाएगा, इस चीज को आपको पूरा दावा देते हैं। धन्यवाद सभी को।